माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भ्रष्टाचार बंद करो। बंद करो। बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। बंद करो। बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। बंद करो। बंद करो। सर्किट बनानी है। ठहर जाता हूँ, पीछे को जाओ, सब लोग जाए। करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसके तत्पश्चात वहां के सीईओ सुरेंद्र सिंह जी से मुलाकात हुई और उन्होंने तत्काल जीएम को यह आदेश दिया कि तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और उस निर्माण को ध्वस्त किया जाए। आज तत्काल प्रभाव से करप्शन फ्री इंडिया के दबाव से रौनी गांव में बन रहे शमशान घाट में जो उस घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था, उस निर्माण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त कर दिया गया है। आप आगे देखें वीडियो में। खालस रेत, जो नहर का रेत होता है, बस वो रेत, सीमेंट का नाम नहीं है इसमें। ये रहा सारा, ये होगा नंगा, ये होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अथॉरिटी और ठेकेदारों की पोल खोलें, ये देखो, ताकि किसी गांव में ऐसा गलत काम ना हो। ये पिलर हैं, ये पिलर हैं यहाँ के रौनी गांव के शमशान के। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों। जय हिंद साथियों। साथियों, मैं करप्शन फ्री इंडिया से गांव अध्यक्ष गगन प्रकाश, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी इसी शमशान की, अपने गांव की, रौनी गांव की। इसमें बिल्कुल बेकार का मटेरियल सारा लगा हुआ था, बिल्कुल सामग्री जो लगी इसमें, सीमेंट वगैरह सब घटिया किस्म के लगे। और इसकी वीडियो हमने आज करप्शन फ्री इंडिया ने आज अथॉरिटी में धरना दिया और इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई मांगी। तो उसका परिणाम ये रहा कि करप्शन फ्री इंडिया की मेहनत के बाद ये अथॉरिटी ने करीब 2 बजे आज ही तत्काल JCB भेजी और ये ध्वस्त करवाया। ये ताकत है करप्शन फ्री इंडिया की, प्रवीण भारतीय जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। और हम आगे भी किसी गांव में अगर भ्रष्टाचार होगा, कहीं भ्रष्टाचार होगा, तो करप्शन फ्री इंडिया आगे भी आवाज़ उठाता रहेगा, बिल्कुल सहन नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को। जय हिंद साथियों।